Rahim. Sindh College Lectures YouTube channel, College Education Department. Welcome once again. I am Afsham Banu, in charge principal, Government Girls Degree College, Moro. Dear students, today we are here to learn about English subject letter writing, tools and techniques, types of letters for class first year ba and bsc 1 first of all let's come to know what is a letter writing a letter is a written message that can be handwritten or printed on paper it is usually sent to the recipient via mail or post in an envelope although this is not a requirement as such any such message that is transferred via post is a letter a written conversation between two parties a letter is a type of written communication a structure of a letter dear students usually letter structure consists of following parts number 1 address salutation which also called as greeting subject इंट्रोडक्शन आफ्टर देन बॉडी एंड इन द लास्ट क्लोजिंग सिग्नेचर हेयर वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ लेटर ऑफ अ फॉर्मल लेटर उसके बाद लेफ्ट एंड साइड पे नेम आब्लिक पोजिशन ऑफ द एड्रेसी जो पोजिशन है इट मीन्स के जॉब टाइटल कौन सा है रिसीवर का जो राइट हैंड साइड पे एड्रेस आ रही है वो आ रही है सेंडर की और जो लेफ्ट हैंड साइड पे एड्रेस आ रही है वो आ रही है रिसीवर की यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है कि हमें सेंडर की एड्रेस कौन सी साइड लिखनी चाहिए और रिसीवर की एड्रेस कौन सी साइड पे लिखनी चाहिए तो आपको ये नज़र में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे रिसीवर की एड्रेस आनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑन द राइट हैंड साइड पे ऑन द टॉप ऑफ द पेज सेंडर की एड्रेस आएगी और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिसीवर की एड्रेस आ जाएगी आफ्टर रिसीविंग आफ्टर द एड्रेस यू हैव टू मैंशन सेल्यूटेशन जिसको हम ग्रीटिंग भी कहते हैं जैसा कि अगर हम किसी को कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो उसमें हम उसको सलाम करते हैं तो जिस तरीके से भी ग्रीट किया जाएगा उसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं सैल्यूटेशन के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए फार्मल लेटर की यही एक खसूसियत होती है कि उसमें सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ होता है जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ होता है सब्जेक्ट में मतन आ जाता है पूरे लेटर का मकसद आप लिखते हैं कि आप किस मकसद के लिए ये लेटर लिख रहे हैं आया ये कोई रिक्वेस्टिंग लेटर है आया ये इंक्वायरी लेटर है या फिर किस कैटेगरी में फॉल होता है तो जो रीडर होगा वो सब्जेक्ट को देख के ही अंडरस्टूड कर लेगा कि ये किस चीज का लेटर है और कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है सब्जेक्ट के बाद आप फुली देंगे बॉडी ऑफ द लेटर सेट आउट इन वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ में आपको पूरा मकसद लेटर का लिखना होता है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होता है स्पेशली फार्मल लेटर्स में हमेशा ऐसे ही आता है यूअर्स फेथफुली यूअर्स सिंसियरली और उसके बाद सिग्नेचर देते हैं सेंडर की सिग्नेचर होगी और उसका नाम लिखा हुआ होगा इन द लास्ट उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लेटर के मोस्टली थ्री टाइप्स स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं एक तो फार्मल लेटर आ जाता है जिसको हम बिजनेस या फिर ऑफिशियल लेटर कहते हैं सेकंड टाइप है सेमी फार्मल लेटर फार्मल लेटर का अभी आपने लेआउट देख लिया कि वो बिज़नेस लेटर होता है और वो किसी आप हायर अथॉरिटीज़ को भी लिख सकते हैं बिजनेस और ऑफिशियली कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं जिसमें आपका जॉब प्रपोजल भी आ जाएगा अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लेटर भी आपका फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में फाल होता है सेमी फॉर्मल लेटर जो होता है वो हम फार्मल की कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं और इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में भी फ़ाल कर सकते हैं इट मींस के जो सेंडर और रिसीवर होते हैं एक दूसरे को जानते तो हैं लेकिन इतना वो आपस में फ्रेंक नहीं है तो इसलिए वो सेमी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में फॉल होता है इसी वजह से उनकी लैंग्वेज उसका लेआउट थोड़ा सा चेंज होता है इनफॉर्मल लेटर से और लास्ट कैटेगरी है इनफॉर्मल लेटर जो कि पर्सनल लेटर है वो कोई भी लिख सकता है अपने फ्रेंड्स को लिख सकता है अपने पेरेंट्स को अपने रिलेटिव्स को अपने सिबलिंग्स को किसी को भी पर्सनल लेटर लिखे जाते हैं उसके बाद उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स पे के डिटेल में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स कौन कौन से हैं और किस कैटेगरी में क्या चीज फ़ाल होती है नंबर वन है फार्मल लेटर अ फार्मल लेटर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर। नेम एंड पोजिशन एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी रेंज लेफ्ट फुल पंक्चुएटेड जैसा कि हमने अभी लेआउट में फुली देख चुके हैं यही वही चीजें हैं जो कि इसी कैटेगरी में आपको फिर से डिफाइन की जा रही है डेट शुड बी ब्लो मैं एड्रेस। दिन बिगिंस विद डियर सर आब्लिक मैडम। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर गोस बीनीथ द सेल्यूटेशन एंड अंडरलाइंट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स आर पेनलाइज्ड। फार्मल लेटर की यही खूबी होती है कि उसमें आप कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं कर सकते पंक्चुएशन स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी पेनलाइज हो सकती हैं यानी वो आपका लेटर रिजेक्ट रिजेक्टेड कैटेगरी में फाल हो सकता है इडियम्स आर बेस्ट टू अवॉइडेड फार्मल लेटर्स में आपको इडियम्स यूज नहीं करने होते इन द लास्ट यूर्स सिंसेरली इज मोस्ट यूज इन फार्मल एंड सेमी फार्मल लेटर क्लोजिंग जो होती है वो आपको मोस्टली फार्मल और सेमीफार्मल लेटर्स में यूर्स सिंसेरली यूर्स फेथफुली से करनी पड़ती है नंबर सेकेंड सेमी फार्मल लेटर अ सेमी फार्मल लेटर सेमी फार्मल लेटर आर पर्सनल बट द राइटर्स आर नाट वेरी क्लोज टर्म्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेमी फार्मल लेटर फार्मल लेटर की कैटेगरी में पर्सनल लेटर की कैटेगरी में फाल तो होते हैं लेकिन जो सेंडर और रिसीवर होता है उनका कोई क्लोज टर्म्स नहीं होते वो एक दूसरे को जानते तो हैं लेकिन वो अपने आप में इतने फ्रेंक नहीं हैं लाइकवाइज़ अगर कोई किसी अपने कुलीग को अपनी ऑफिस मेट को कोई लेटर लिख रहा है तो पर्सनल लेटर भी हो लेकिन वो इतने फ्रेंक नहीं हैं तो वो ऐसी लैंग्वेज ऐसा स्टाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे जिससे उनकी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे लेक्चर आज का कंप्लीट हो रहा है होपफुली आपने बहुत ज़्यादा सही तरीके से अंडरस्टूड किया होगा कोई भी क्यूरीज हो इस रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो